जानलेवा कोरोना वायरस ने इस समय लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन दुनिया अभी कोरोना वायरस से संभल भी नहीं पाई कि दूसरी ओर एक और खतरे ने दस्तक दे दी है। फिलीपींस के उत्तर प्रांत में फैल रहा एक और वायरस किसी मुसीबत से कम नहीं है। दुनिया के लिए क्या है दूसरे खतरे की घंटी, देखिए इस रिपोर्ट। एक तरफ दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं, वहीं फिलीपींस भी इससे अछूता नहीं है और वहां भी कोरोना वायरस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन दूसरी ओर फिलीपींस से एक और बुरी खबर आई है। फिलीपींस के उत्तरी प्रांत में कोरोना के बाद जानलेवा बर्ड फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसने वहाँ की सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। इस फ्लू का वायरस बटेर नाम के पक्षी से फैल रहा है, जिसने वहाँ के लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। फिलीपींस के कृषि मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये बेहद संक्रामक फ्लू है, जो H5N6 और इन्फ्लुएंजा ए वायरस की श्रेणी का है। इस वायरस की पहली मौजूदगी सबसे पहले बटेर के एक फार्म में पाई गई थी। इंसानों के लिए वायरस भी जानलेवा होता है। इस नई समस्या को लेकर फिलीपींस के कृषि सेक्रेटरी विलियम डार ने कहा कि इस इलाके में साल 2017 में भी बर्ड फ्लू फैला था और उस दौरान भी ये एक बटेर फार्म के जरिए ही फैलना शुरू हुआ था। इस दौरान एक ही फार्म में 1500 से ज्यादा बटेर एक दिन में मर गई थी। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके से किसी भी पक्षी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है और एहतियातन 12000 संक्रमित बटेरों को मारकर सुरक्षित जगहों पर नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही बर्ड फ्लू की आशंका के बीच फार्म के आसपास के 7 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस इलाके से देश भर में कहीं भी पक्षियों के निर्यात पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि इसका असर काफी घातक हो सकता है। इस वायरस के इंसानों में तेजी से फैलने की पूरी आशंका है, इसलिए सतर्कता बरती जा रही है। अभी तक ये वायरस किसी इंसान में नहीं पहुंचा है और इससे अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये वायरस बेहद खतरनाक और जानलेवा है, इसलिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।